हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NSDLET विद चैनल डू द न्यू, जिसमें आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग चीज़ें सीखते हैं। तो अभी हम NS की वेबसाइट पे हैं। जैसे आप सबको पता है कि NS का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिसने नहीं देखा तो वो देख सकता है। ये लिंक दिया हुआ है, रिजल्ट ऑफ द DLET एग्जामिनेशन हेल्ड इन मई जून, ये लिंक दिया गया है। लेकिन उसके साथ एक और नोटिस सबमिट किया गया है, सबमिशन ऑफ एग्जामिनर फीस फॉर दोज वो हैव नॉट क्लियर और अब्सेंट इन फर्स्ट एग्जाम, सबमिशन कैन बी डन ऑन 7 सेप्टेम्बर। जो अपनी फीस सबमिट नहीं कर चुके या फिर अब्सेंट है, तो उसके लिए 7 सेप्टेम्बर तक अपनी फीस जमा कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले नोटिस आया था तो उसमें फीस सबमिशन क्लोज हो चुका था, तो उन्होंने फिर निकाला है, क्योंकि अभी भी रिजल्ट आया तो हो सकता है इसमें कोई अब्सेंट हो गया हो या फिर वो फेल हो चुका हो, तो उसके लिए वो 7 सेप्टेम्बर तक अपनी फीस जमा कर सकता है, जिससे वो दोबारा जो एग्ज़ाम होंगे, जो 29-30 से जो एग्ज़ाम होंगे 504-505 के, तो उसके पहले 501-502-503 के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें वो बैठ सकते हैं। तो उसके लिए उसके क्या करना पड़ेगा, 7 सेप्टेम्बर तक अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। इसको नोटिस को खोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा अपना, और आगे पढ़ते हैं। नोट, ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड सेलेक्टेड लैंग्वेज। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा तो इंग्लिश या हिंदी में होगा, या फिर आप जिस रीजन में है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में तो आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी, आप पंजाबी बोलते, गुजराती बोलते, तो उसके अलावा आप उसमें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में होगी या फिर आपकी जो स्टेट लैंग्वेज होगी उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूड इन द गेट शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज आंसरिंग क्वेश्चन पेपर स्पेंड इन द आंसर बुक, सबमिशन ऑफ एग्जामिनर फीस टिल 7 सेप्टेम्बर। तो आपको जो एग्जामिन फीस करनी है, ओनली दो टीचर वो हैव नॉट क्लियर द पेपर। अभी इन्होंने यहाँ पे एक नोट उसमें थोड़ा ब्रैकेट में दिया है कि उसके लिए है जिसने पेपर क्लियर नहीं किया है या वो अब्सेंट था। अभी ये उसके लिए नहीं है कि जो भूल चुका था, जिसने पहले जो अपने पहले फीस जमा नहीं कर पाई, उसके लिए नहीं है ये। अभी ये उसके लिए है जो अभी रिजल्ट आया उसमें फेल हुआ है या फिर अब्सेंट दिखाया हुआ है। फीस कैन बी डिपोजिट टिल 7 सेप्टेम्बर, जो फीस है हमारी 7 सेप्टेम्बर में जमा करनी पड़ेगी, लास्ट डेट है 7 सेप्टेम्बर। प्रोसीज फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस काइंडली रीड बिफोर सबमिटिंग एंड मेकिंग द पेमेंट। पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड एनरोलमेंट, पहले आपको एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करने का तो मीडियम सेलेक्ट करने का, मीडियम हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप जिस मीडियम में आप अपना जो पेपर देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर डैट यू हैव टू सेलेक्ट द मीडियम एंड आफ्टर डैट यू हैव टू परसेंटेज इन क्लास 12। अगर आपने क्लास 12 में परसेंटेज के लिए आपने अप्लाई किया था इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस या नो। यदि इंप्रूवमेंट किया तो यस, नहीं सेलेक्ट किया तो नो। फिर आपको सबमिट करना है, इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है नीचे, ये द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द, अगर पेमेंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो गई है, जब भी आपकी पेमेंट वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 24 आवर्स या 48 आवर्स, क्योंकि जो हमारी पेमेंट है वो 26 या 48 घंटे के बाद ही दिखाता है, वो एकदम नहीं दिखाता सर्वर। सर्वर दिखाता रहेगा कि पेमेंट नॉट कंप्लीट, लेकिन आपको वेट करना होगा 24 से 48 घंटे। तो फिलहाल दोस्तों एक यही नोटिस आया है इसके लिए। बाकी आपको अगर आपको रिजल्ट देखना है, आप रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, गुड बाय। कृपया करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे ही मैं आपको और इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा।